अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.11 क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड डिक्रीज इन द रेशो, हमें डिक्रीज फाइंड आउट करना है। रेशो में इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड आउट करने का सेम ही मेथड है, सिर्फ इसमें एक बेसिक फ़र्क ये है कि आप लोगों को ये जो डिनोमिनेटर है जो कि कॉन्सिक्वेंट होता है क्वान्टिटी का, ये मीन्स इसमें जो फ्रैक्शन बनता है, आप ये समझ लें कि रेशो में जो फ्रैक्शन, रेशो को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें जो फ्रैक्शन बनता है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। डिक्रीज इन रेशो में प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जबकि और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसकी जिसका न्यूमिनेटर छोटा होता है, स्मॉल होता है, और इसका डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर होता है, ठीक है। जबकि इंक्रीज इन रेशो में इसका उलट होता है, इसका इन्वर्स होता है, मीन्स उसमें न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर होता है, डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है। बाकी मेथड इनको फाइंड आउट करने का सेम ही है। डिक्रीज 30 डिक्रीज इन रेशो, 30 डिक्रीज करें रेशो में तो क्या आएगा, 2/3 × 30। तो 3 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। मीन्स अगेन आपको यहाँ 30 जो है वो डिनोमिनेटर मीन्स एंटीसीडेंट का दिया हुआ है, सॉरी कॉन्सिक्वेंट क्वांटिटी 3 का आप लोगों को दिया हुआ है 30। तो आपने 2 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि 20 आया, ठीक है। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में 35 इन द रेशो 5 एंड 7, आपने 35 में 35 डिक्रीज करना है इन द रेशो 5/7। आपने रेशो को चेंज कर लेना है, फ्रैक्शन में 5/7 आ गया, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो डिक्रीज के लिए यूज़ होता है, मीन डिक्रीज वाली क्वांटिटीज़ में प्रॉपर फ्रैक्शन आता है और इंक्रीज वाले में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। 35 डिक्रीज इन रेशो, तो आपने क्या करना है, 5/7 को 35 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा आपके पास। चलें अब हम नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 50 in the ratio 2 and 5। चेंज रेशो इनटू फ्रैक्शन 2/5 आ जाएगा, 2 ratio 5 को 2/5 में चेंज कर देंगे, और 50 डिक्रीज इन रेशो का मतलब है 2/5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ। फिर हम 50 को 5 के साथ जब कट करेंगे या डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 4 में 70 in the ratio 2 and 7, आपने 70 डिक्रीज करना है इन द रेशो 2 and 7। चेंज रेशो इनटू फ्रैक्शन, हमने रेशो को फ्रैक्शन में चेंज किया, और रेशो को फ्रैक्शन में चेंज करने का वही तरीका हम है कि आप जो है एंटीसीडेंट को ऊपर लिख लेते हैं और कॉन्सिक्वेंट को नीचे में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बना देते हैं। 70 डिक्रीज इन रेशो, तो हम 2/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 70 के साथ, और 7 को 70 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, और 10 को 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 20। तो डिक्रीज इन रेशो आपके पास आ गया 20। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते। पार्ट नंबर 5 है आपके पास 160 in the ratio 5/8। आपने अगेन 5/8 की रेशो को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, 5/8 आ गया, और 160 डिक्रीज करना है इन रेशो, तो आपने 160 को क्या करना है, 5/6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 5/8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 5/8 को जब आप 160 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20 आंसर आ जाएगा, और 20 को आप जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास इस रेशो का डिक्रीज जो कि 100 है। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 6, पार्ट नंबर 6, जो कि है